दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इलियास करीम और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल सर ताज को। आज हम बात करेंगे सिंध पाकिस्तान के जिला थरपारकर की पॉलिटिकल सिचुएशन पर कि वहां की सियासी सूरत हाल क्या है। इलेक्शन 2024 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर डिप्लो मिट्टी का जो कौमी असेंबली का हलका है वहां पर जो नामजद उम्मीदवार थे वो थे डॉक्टर महेश कुमार मलानी मिट्टी शहर और थरपारकर का बहुत सारा इलाका जहां पर अकलियत का एक बहुत बड़ा हलका बसा हुआ है, रिहायश पजीर है। बिल्कुल इसी तरीके से उमरकोट जो जिला है उसका जो ये उमरकोट तहसील है यहां पर और डिस्ट्रिक्ट उमरकोट में भी बहुत बड़ा हलका अकलियती बिरादरी का यहां पर रहता है। उनके मुकाबले में डॉक्टर महेश कुमार मलानी के मुकाबले में जीडीए के उम्मीदवार थे साबिका वजीर आला सिंध डॉक्टर अरबाब गुलाम रही, जबकि जो डिप्लो का सूबाई हलका था वहां पर जो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे वो अरबाब गुलाम रहीम के भतीजे साबिका सूबाई वजीर और पीपल्स पार्टी के एमपीए रहने वाले अरबाब लुत्फुल्लाह खड़े थे और उसके सामने उनके ही खानदान का अरबाब जकाउल्लाह सूबाई हलके पर मद मुकाबल थे। जब इलेक्शन का मरहला शुरू हुआ, नामजदगियां हो गई, फार्म्स बहाल हो गए और इलेक्शन मुहिम शुरू हो गई तो ये आम तासर सामने आया कि अरबाब गुलाम रहीम और अरबाब लुत्फुल्लाह यानी चचा और भतीजा के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग खानदानी जो लोग थे अफराद थे वो बीच में आए और उन्होंने एक सुलह कराई कि इलेक्शन के दौरान अरबाब लुत्फुल्लाह अरबाब गुलाम रहीम के खिलाफ इलेक्शन मुहिम में हिस्सा नहीं लेंगे। बहरहाल इस किस्म की शिकायत और शिकवा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो दीगर मुंतखब साबिका दौर में रहे थे नुमाइंदे और इस वक्त वो 2024 में भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे, उन्होंने भी और डॉक्टर महेश कुमार मलानी ने भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो कयादत थी उन्हें इस बात से आगाह किया कि अरबाब खानदान एक हो चुका है और पीपल्स पार्टी के टिकट पर अरबाब लुत्फुल्लाह कामयाब होना है। वो कोशिश पूरी कर रहे हैं कि अरबाब गुलाम रहीम कौमी असेंबली की सीट पर कामयाब हो जाए। बहरहाल ऑफिशियली अरबाब गुलाम रहीम के मुकाबले में थे अरबाब लुत्फुल्लाह, पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म पर थे, तहम ये चिमगोरियां चलती रही, ये तासर उभरा और इलेक्शन के पूरे प्रोसेस के दौरान ये बात बांग बाला कही जाती रही कि अरबाब लुत्फुल्लाह अरबाब गुलाम रहीम के खिलाफ इलेक्शन मुहिम में हिस्सा नहीं ले रहे, वो सिर्फ अपने हलके की बात कर रहे। इलेक्शन का वक्त आया, पोलिंग डे आया और पोलिंग डे के बाद जो नतायज सामने आए वो नतायज ये बता रहे हैं कि अरबाब गुलाम रहीम ने सूबाई हलका जो था डिप्लो का वहां से इतने ही तकरीबन वोट हासिल किए जितने अरबाब लुत्फुल्लाह ने हासिल किए सूबाई की सीट पर। जो नतायज सामने आए हैं उनके मुताबिक आम लोग ये तासर दे रहे हैं कि डिप्लो के नतायज को अगर सामने रखा जाए तो अरबाब गुलाम रहीम डॉक्टर महेश कुमार मलानी से उस सूबाई हलके से तो जीत चुके हैं, फिर ये इतने वोट जो अरबाब लुत्फुल्लाह ने उठाए वो महेश मलानी को क्यों नहीं मिले। और आम तासर यह है कि फिर महेश मलानी को जो जितवाया वो तहसील मिट्टी और सलामकोट का जो इलाका था वो उस इलाके के जो वोटर्स थे उन्होंने बढ़ चढ़कर इसालिया और पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को वोट दिए, जिसके नतीजे में वो बमुश्किल अपनी सीट निकालने में कामयाब हुए। बहरहाल कहते हैं कि अच्छी खासी लीड भी उन्होंने ली है। अब तासर यह था कि अरबाब गुलाम रहीम जीत जाएंगे लेकिन महेश मलानी इलेक्शन दूसरी मरतबा भी इसी हलके से अरबाबों को शिकस्त देकर के जीत गए। अब
हलफ उठाने का वक्त आया, असेंबली मेंबर्स मुंतखब हो गए, अरबाब गुलाम रहीम हार गए, महेश मलानी जीत गए, सिंध कैबिनेट बननी थी। तो ये आम तासर पीपल्स पार्टी की कैब के जो अंदरूनी जराए हैं वो ये बताते हैं कि महेश मलानी ने थरपाकर से मुंतखब, दीगर जो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारान हैं फकीर शेरवंद बिलानी, दोस्त मोहम्मद रायमो समेत, उनको ये बावर कराया कि हतकल इम्कान कोशिश की जाए कि आने वाली जो ये सिंध कैबिनेट है इसमें अरबाब लुत्फुल्ला को कोई वजारत न मिल सके। जो बावसूख जराए हैं वो ये बताते हैं कि ये जो लॉबिंग हुई है, ये जो अंदरूनी जो इंडोर किस्म की जो पॉलिटिक्स हुई है, उसके नतीजे में जो पहले मरहले में सिंध कैबिनेट के जो वज़रा है जिन्होंने हलफ उठाए हैं उनमें भी अरबाब लुत्फुल्ला शामिल नहीं थे, और दूसरा जो मरहला है वो जो दो तीन दिन पहले मुकम्मल हुआ है उसमें भी अरबाब लुत्फुल्ला वजारत की दौड़ से आउट हो चुके हैं। तो ये आम तासुफ दिया जा रहा है कि अकलियत से ताल्लुक रखने वाले हिंदू कम्युनिटी के इंतहाई पावरफुल तरीन सियासतदान जो पीपल्स पार्टी से जुड़े हुए हैं डॉक्टर महेश कुमार मलानी, एक मरतबा फिर वो अपनी सारी रचाने में कामयाब हो गए और वो इलेक्शन के अंदर कामयाब सियासी हिकमत अमली के साथ अब कैबिनेट जो बनी है उसमें वजारत के हवाले से भी वो दोस्त मोहम्मद रायमो को अपनी जो लाबी के थे उनको वजारत दिलाने में कामयाब हो गए हैं और अरबाब लुत्फुल्ला को इस हवाले से नाकामी हुई है। आगे चल के ये इख्तलाफात और भी शिदत इख्तियार कर गए हैं, सूरत हाल क्या होगी, नतायज क्या आएंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। अहम ये आम तासर है कि थरपारकर की सियासत के अंदर अकलियत से जुड़े अकलियती पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं वो डॉक्टर महेश कुमार मलानी, तमाम दीगर जो सियासतदान हैं उन पर भारी पड़े हुए हैं, उनकी सारी चलती है, उनका दाव पेच चलता है, जरदारी कैंप से लेकर के फरियाल तालपुर कैंप तक और बिलावल की कैंप से लेकर के सिंध के जो दीगर सियासी रहनुमा हैं, हमायतीन हैं, जो रहनुमा हैं वो उनकी जो मुख्तलिफ लाबरीज हैं उनमें भी महेश मलानी की बात चलती है। यही नतीजा है कि अरबाब लुत्फुल्ला वजारत खो बैठे हैं। आने वाले दौर में, आने वाले वक्त में सूरत हाल क्या होगी ये अलग बात है, ताहम ये आम तासुर जरूर दिया जा रहा है कि थरपाकर और उमरकोट की सियासत के अंदर अकलियती बिरादरी के जो लोग हैं खासतौर पर भील, मेंगवार, कोली, खत्री, सोनारे, महाराज, बाम्बन और दीगर जो माली, ठाकुर, इन तमाम के वो एक मकबूल नुमाइंदे की हैसियत में अपने आम आप को मनवाने में कामयाब हो गए। आने वाले वक्त में वो इस कामयाबी को किस अंदाज से इम्प्लीमेंट करते हैं कि आने वाले जो दौर हैं, अदवार हैं उनमें उनकी सियासत की सारी कहां पर जाकर के बढ़ चढ़कर अपनी मार करेगी, अपने जो वफादात हैं, अपनी जो सियासी जो जो चाल है उसको कामयाब रखने में वो कामयाब होंगे। ये आम सियासी तज्जिये नगार कह रहे हैं कि इन तमाम बातों में डॉक्टर महेश कुमार मलानी ने मास्टर की हुई है। वो बहरहाल उनकी छाप इस वक्त थरपाकर के अंदर कायम व दायम है, आने वाले 5-10 सालों तक भी उनका ये दाव पेच बरकरार रहना है। बहरहाल पीपल्स पार्टी थरपाकर इस हवाले से शदीद इख्तलाफात का शिकार है। वाजह तौर पर एक ग्रुप है जो अरबाब ग्रुप के तौर पर अरबाब लुत्फुल्लाह के साथ खड़ा है, वो भी पीपल्स पार्टी से जुड़ा है, और दूसरा एक ग्रुप है जो डॉक्टर महेश कुमार मलानी के साथ खड़ा है, वो भी पीपल्स पार्टी से हैं। अरबाब गुलाम रहीम के भतीजे अरबाब लुत्फुल्लाह ये दूसरी बार पीपल्स पार्टी के टिकट पर एमपीए बने हैं, तहम महेश कुमार मलानी पुराने जियाले हैं, उनके भाई अमर जगदीश कुमार मलानी ने पीपल्स पार्टी के बुनियाद रखे, थरपाकर के अंदर उनकी बड़ी खिदमात है। अब आने वाले दौर में ये फैसला होना है कि जो नया नया पीपल्स पार्टी में शामिल हुआ है अरबाब लुत्फुल्ला, क्या ये सियासी जंग वो जीत जाएंगे या जिसने उम्र गुजारी है पीपल्स पार्टी के अंदर, जिस खानदान ने, जिसके भाई जगदीश कुमार मलानी ने पीपल्स पार्टी की जड़ें मजबूत की थर के अंदर,
उसके बाद डॉक्टर महेश कुमार मलानी की हुक्मरानी चल रही है, ये फैसला आने वाला वक्त करेगा। मिलेंगे दूसरे किसी विभाग में, जब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।